सनातन धर्म को गाली देना इंडिया गठबंधन के नेताओं की नियत बन चुकी है, आदत में शुमार हो चुका है। जी हां, और ये साउथ से शुरू हुआ, स्टालिन से शुरू हुआ, और अब बिहार के नेता भी जो हैं वो दुर्गा से लेकर और तमाम धर्म ग्रंथों के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। यही बिहार है जहां पिछली बार मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय गोलियां भी चली थी। समाज को मुख्यमंत्री बांटने का काम कर रहे हैं। यह मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। ये बातें कही है चिराग पासवान ने, एलजीपी रामविलास गुट के अध्यक्ष हैं। कल देर शाम पहुंचे पटना एयरपोर्ट पर, पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा है कि यहां पर जो है तमाम देवी देवताओं के बारे में डेहरी के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि दुर्गा तो है कुछ है ही नहीं है, काल्पनिक है। इस पर चिराग पासवान जो है मीडिया को अपना वक्तव्य दे रहे थे। सुनवाते हैं आपको कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह जो है दुर्गा पूजा को लेके जो है पूरा दुर्गा माँ के टिप्पणी की गई है, से जोड़ा है दुर्गा पूजा को। तो भाई ये सनातन धर्म को गाली देना, ये तथाकथित विपक्षी दलों का जो गठबंधन है ये उनकी आदत बन गई। भले वो साउथ की पार्टियां हों या हमारे बिहार में कई ऐसे दल हैं जिसमें यकीनन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे विधायक भी हैं, कई तो मंत्री हैं भाई, शिक्षा मंत्री क्या करते हैं। बात बात में सनातन धर्म को गाली देना, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाना, ये इन लोगों की आदत बन गई है। क्योंकि इन लोगों को बंटवारे की राजनीति सूट करती है। समीकरण जो बनाते नहीं थकते, MY समीकरण, उन लोगों को बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति को धरातल पर उतारकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपने राजनीतिक लाभ लेने से मतलब है। और ये तमाम बयान सुनियोजित तरीके से, कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो कि सिर्फ कहने के लिए या बोलने के लिए बोल दिया गया हो या जुबान फिसल गई हो या मुंह से निकल गया। ये सुनियोजित तरीके से आप देखिएगा, लंबे समय से, कई महीनों से वन आफ्टर दी अदर ये बयान आ रहे हैं। साउथ की पार्टी से ये शुरू हुए, वहाँ के वहाँ पे जिस तरीके से बयान दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से तमाम बिहार की पार्टी, विपक्षी दल के जितने नेता हैं सत्ताधारी, वो तमाम खामोश हैं। और उसके बाद इनके शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, उसके बाद रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, और अब माँ दुर्गा, भाई इन्हीं के शासनकाल में माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर गोलियां भी चली थी, मुंगेर में गोली चली थी। क्या कर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तो सुनियोजित तरीके से बिहार को बांटने की साजिश हो रही है। तो आपने सुना, ये थे चिराग पासवान, जिन्होंने कहा कि ये बिहार के नेताओं की, खास करके इंडिया गठबंधन के नेताओं की नियत में, आदत में शुमार हो चुका है। अब देखना है कि क्या इस गाली का असर जनता किस रूप में लेती है, जनता पर किस रूप में पड़ता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।